दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई भारत देश के उत्तर में झांसी नाम की एक जगह है जहाँ से रानी लक्ष्मी भाई थी। उनका जन्म एक महाराष्ट्रन परिवार में हुआ था। उस समय भारत का जो गवर्नर था वो डलहौजी था। उन्होंने एक नियम निकाला था कि जिस भी राज्य में राजा नहीं है वह अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। उस समय रानी लक्ष्मी भाई विधवा थी। उनके पास में एक गोद लिया हुआ बेटा दामोदर था। उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके और उन्होंने झांसी को बचाने के लिए जंग छेड़ दी अंग्रेजों के साथ। मार्च 1857 में अंग्रेजों से लगातार 2 हफ्ते का युद्ध करते हुए वो हार गई और उसके बाद वह ग्वालियर चली गई। एक बार फिर वहाँ पर उनका जो सामना हुआ अंग्रेजों के साथ में हुआ और हमारी रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका 1857 की जो हमारी लड़ाई हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। उनका नाम भारत के स्वतंत्रता सेनानी में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में हुआ था। उनका जो विवाह था वो 1842 ईस्वी में झांसी में हुआ था। उनका जो जन्म स्थल था वो काशी वाराणसी में था जो आज केवल वाराणसी में है। उनके पति का नाम था झांसी के राजा गंगाधर राव। उनकी मृत्यु अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते 18 जून 1858 में हो गई। उन्हें भावपूर्वक श्रद्धांजलि।